हाय हेलो वेलकम सलाम से फ्रेंड से बंदे का नाम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब? तो आई एम बैक विद अनदर यू नो फोर्टनाइट वीडियो, और काफ़ी अर्से के बाद मैं फोर्टनाइट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई तो खास फोर्टनाइट के अंदर रिकॉर्ड करने को है नहीं, या आप लोगों को पता ही होगा जो फोर्टनाइट खेलते हैं उनको पता ही होगा फोर्टनाइट के अंदर खास करने को कुछ है नहीं। तो हम दोबारा से ओनली आपका मैप खेल रहे हैं और ओनली आपका मैप ही याद है। मैंने इसकी वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैं कोशिश की थी कि इसको बीट करूं, लेकिन मैं बीट नहीं कर पाया। तो उसकी वजह यह थी कि मेरा फर्स्ट ट्राई था और मैं एंड पे जा के नीचे गिर गया था। उसके बाद मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग इसको बीट किया था, लेकिन अब हम इसको रिकॉर्डिंग के साथ बीट करेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला। बाय द वे मैं आपको बताता चलूं कि जो मेरा कैमरा था उस पर नहीं चल रहा था। कैमरे से बात मेरा ये है कि जो ऐप मेरे अपने मोबाइल के अंदर नहीं चल रही थी, उसका मोबाइल लेके आया हूँ तो ये उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके थ्रू वेबकैम। यू नो वेबकैम के लिए मैं अपना मोबाइल ही यूज़ करता हूँ, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो मेरे अपने मोबाइल में नहीं चल रहा, दूसरे मोबाइल में चल गया। आई डोंट नो क्या इशू था। हालांकि मैंने 5-6 दफ़ा अनइंस्टॉल भी किया, सब कुछ किया जो छोटी छोटी ट्रिक्स मुझे आती हैं, लेकिन वो चल नहीं रहा था। मैं हालांकि अनइंस्टॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या इशू है, समझ नहीं आ रहा। यू नो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं शॉर्टकट्स वही मारूंगा जो मुझे पता है कि ईजी है और आसान है, तो वो वाले शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा जो थोड़े मुश्किल हैं और मैं गिरने के ज़्यादा चांसेस। देखें हम ऑलरेडी सीजन 2 पे पहुंच गए। यू नो पता हो ना आपको आप क्या कर रहे हो, तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आज हम फर्स्ट ट्राई के अंदर इसको बीट करेंगे, हमें नीचे नहीं गिरेंगे। अब ये जो इस तरह के लैग होते हैं ना, ये वाले लैग मरवाते हैं। और फोर्टनाइट का अपडेट कुछ 3 हफ्ते से नहीं आया और अब तक फोर्टनाइट के जो बग्स हैं वो सारे निकल के बाहर आ गए। फोर्टनाइट का अपडेट आने वाला है 2-3 दिन में, लेकिन मैं अभी की बात करूँ सर्वर जिनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से बिल्कुल फारिग हो गए, पिंग बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अचानक 60 पे फ्लक्चुएट कर जाएगी, 90 पे फ्लक्चुएट कर जाएगी। माई पार्कोर स्किल्स आर वेरी ग्रेट इन दिस गेम, यू नो। इधर से भी मैं एक दफ़ा गिरा हुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कितना मज़ा है, मैं उसको फर्स्ट ट्राई के अंदर बीट कर रहा हूँ, कितना मज़ा है। बस एंड पर जाके ना गिरा, एंड पर जाके मुझे पता है कि बिल्कुल आपने राइट साइड से खड़े होकर जंप मारना है। वो जो बोन्स वाली जगह आती है वो बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर बैरियर टाइप के अजीब से इनविजिबल वॉल आप कह रहे लगाई हुई उन्होंने, तो बड़ी गलत बात है। अच्छा ये मैं यहाँ वहाँ से भी मेंटल कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ। मुझे पता नहीं क्या मसला है, यहाँ वाली जगह मुझे ज़्यादा आसान लगती है। सीजन 4 के अंदर आ गए, सही है भाई। पता ही नहीं लग रहा मैं बोली जा रहा हूँ, बातें किए जा रहा हूँ आप लोगों से। और दूसरी ओनली आप खेल खेल के मैंने कहा वो तो भी बीट हो नहीं रही, हमने उसको आधा तो बीट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। बाकी जो है ना उसको करने के लिए हम थोड़ा माइंड रिफ्रेश करेंगे, पहले हम ये वाला मैप बीट कर लें। ये भी तो बीट नहीं किया, ये भी पेंडिंग ही पड़ा हुआ। ये वी ऑलरेडी एट सीज़न 5 ना, इस सीज़न 5 में सामने रहा। सीज़न 5 पे जाने के लिए ये जगह थोड़ी सी आप कह सकते हैं ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। इसको करने की एक ट्रिक है, पता लगा था मैं यहीं पे गिर जाता ना बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम है ना, मेरा फर्स्ट ट्राई है, जो मेरा मैं जहनी तौर पर बड़ा वो रिलैक्स हुआ हूँ। मैं सेकेंड ट्राई अगर मैं गिर गया, सेकेंड ट्राई करूँगा तो ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा आएगा, और जो मैंने टाइम वेस्ट किया है 6 अभी 7 मिनट, वो फिर मैं उसको कवर अप करने के लिए मैं तेज तेज करूँगा और मैं गिरना शुरू हो जाऊँगा। इसलिए हम रिलैक्स रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से ना आप सही से आप बीट नहीं कर सकते चीज़ों को। अच्छा यहाँ से अबे A few minutes later. तो हम बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं गिरे और मैं अभी फर्स्ट ट्राई के स्टार्ट करने वाला हूँ ये। तो जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ना मेरा कैमरे के अंदर देख, तो जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि येलो शेड आ रहा है मेरे कैमरे के अंदर, शायद इस मोबाइल का जो मैं कैमरा है उसी के अंदर येलो शेड है, पता नहीं क्या कह सकते हैं, लेकिन येलो शेड ही। पहले मैं तेज़ आया और अब मैं स्लो आया हूँ, ये कैसे कर। हालांकि पिकेक्स तो मैं कर रहा था, लेकिन चलो क्या हिसाब है, ज़्यादा आसान है। मैं जो स्पीड रन की वीडियो देखी थी ना इस मैप पर, लोग स्पीड रन कर रहे थे जो 8 मिनट का कुछ का है, वो जो स्पीड रन वो भी और 9 मिनट वाला था, दोनों का मैंने देखा था, उनने भी यही पास सेलेक्ट किया था, वो इसी रास्ते से गए थे, दूसरा रास्ता उन्होंने सेलेक्ट किया। उनको भी वो मुश्किल लगता है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये मुश्किल पार्ट है। वो अलग बात है जो टिल्टी टावर्स के पास वो आता है शॉर्टकट, उन्होंने कर लिया था, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, वो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, कभी भी ट्राई नहीं किया, एक दफ़ा भी ट्राई। अच्छा पता है लोग यहाँ से भी गिरते हैं, हैरत की बात, हालांकि ये इतनी मुश्किल जगह नहीं थी, यहाँ से भी लोग गिरते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा था पब्लिक के अंदर, जब मैं कह रहा था ना तो उसके अंदर लोग इधर से भी गिर रहे थे। क्या कह सकते हैं अरे लोगों की क्या बात, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था, ये वाला टिल्टी टावर्स वाले कह सकते हैं। तो पहले 5 मिनट के अंदर हम सीजन 5 में थे और ये मनहूस मेंटल ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या नशे करके आई बैठी है, नींद नहीं पूरी दे। ये जो इस तरह के बग्स होते हैं ना, उस टाइम भी इसने मेंटल नहीं, हालांकि मैंने होल्ड करके रखा हुआ था अपना मेंटल वाला, लेकिन नहीं
अजीब ही सिस्टम है यार इस गेम की। कुछ हल्का हल्का गुस्सा मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे आपको जब कोई चीज़ ना हो रही हो ना जो आप चाह रहे हो, तो गुस्सा चढ़ जाता है। अब ये देख फिर मेंटल नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ बैठा इसको। देखिए पिंक स्टेबल नहीं है ऊपर, ये पिंक की वजह से मैं गिरूँगा। पहले भी पिंक की वजह से मैं गिरा हूँ, कोई और इशू नहीं था, पिंक की वजह से मैं गिरा। अच्छा यहाँ से इस बार मेंटल की ट्राई, अच्छा यहाँ से मेंटल की ट्राई करते हो कि ज़्यादा आसान है बजाय उसके। हम दोबारा सीजन 4 में पहुँच गए हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं। पिछली बार 5 मिनट के अंदर हम सीजन 5 में, और अभी हम सीज़न 4 पहुँचे। लेकिन वही बात है कि जो लोग ये खेलते हैं या ट्राई करते हैं उनको तो नहीं मुश्किल लगता होगा। जो सीज़न 2 का स्पीड रन है ना, वो एवरी नाम के यूट्यूबर ने किया, वो 24 मिनट में खेल, वो काफ़ी लेंथी है देखा जाए। हालांकि 8 सीज़न थे, लेकिन पता नहीं क्या उसके अंदर सिस्टम पार्ट किया उन्होंने। अब हम उसी जगह पे आ गए इधर से पहले गिरे, चढ़ जा यार मेहरबानी कर, इतना मुश्किल नहीं है ये। मुझे बाद में पता लगा था कि जब स्पीड रन की मैं वीडियो देखा था, ये इसके ऊपर हिट बॉक्स है, अपना फ्लैग के ऊपर भी चल सकते हैं। पहले मैं इतना डरता था। आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। तो भाई 10 मिनट इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि मैं थोड़ा कैमरे के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था कलर वगैरह सेट करने के लिए, तो मैंने तरीके से उसका येलो शेड तो ख़त्म कर दिया। तो अब एडिटिंग के बाद थोड़ा सा कलर और चेंज हो गया होगा। पता नहीं यार क्या इस मोबाइल के साथ कोई था इशू, ये मोबाइल के अंदर एक पीला फिल्टर ही लगा हुआ है। पता लगे यहाँ से बाउंस करके मैं नीचे गिर जाऊँ, प्लीज़ सॉरी नो, गिरने के मूड में नहीं हूँ, मैं ट्राई और नहीं करने वाला बिल्कुल। एक दफ़ा मैं यहाँ से भी गिरा था, मैं आपको बताऊँ। कौन यहाँ से गिर सकता है, मतलब लोग गिर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्यों गिरा था? कभी कभी यहाँ से इसको करते करते गिर, तो मैं थोड़ा आहिस्ता जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ और मैं फिर पक्का गिर जाऊँगा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट एक दफ़ा किया था, मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं क्या डायरेक्ट कर लूँ, लेकिन मैं वहाँ पे मैंने कहा मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा, मेटल काट लूँगा मैं वहाँ, तो उसको पकड़ता नहीं हूँ। अच्छा इस जगह से भी मैं गिरा हूँ, सीज़न 7 ये आई एम हियर। और यहाँ से नहीं गिरना, सीज़न 7 से भी लोग बड़ा गिरते हैं। अच्छा पहली पहली दफ़ा ये मैप खेला था ना, मैं इस जगह से मेंटल करते हुए गिरा था, यहाँ से मेंटल नहीं हुआ था मेरे। वाह या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं अभी रिकॉर्डिंग के बगैर भी मैं ट्राई किया और मैं शुरू में गिर गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे बस कर देना चाहिए। यहाँ से आपको पता लग जाता है जब आप इन दफ़ा गिर जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपको बस कर देना चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं अभी जा रहा था और मैं फिर नीचे गिर गया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैंने कहा आगे ऊपर जाकर रिकॉर्ड करूँगा। तो आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर होपफुली मैं इसको बीट करूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप सब अपना ध्यान रखकर, मैं फिर सिंपल जगह देखिए, तब तक के लिए अल्लाह।